धान की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया है और नवंबर के महीने से अब किसान भाई रबी की फसलों की बुवाई करने में जुट जाएंगे। रबी की फसलों जैसे गेहूं, मक्का, जौ, मसूर, चना, सरसों और राई जैसी फसलों के बीजों की बुवाई के दौरान खाद भी डाली जाती है। अधिकतर किसान भाई अपनी फसलों की ज़्यादा पैदावार के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं और कुछ किसान जैविक खाद का उपयोग करते हैं। आज कृषि सांची का यही टॉपिक है, रबी की फसलों को ज़्यादा उपजाऊ और मुनाफा देने वाली कौन सी खाद है, ऑर्गेनिक यानी कि जैविक या फिर रासायनिक। जैविक खाद जो है पौधों के लिए जो पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं उनको तो खाद बोलते हैं। जो खाद की जो परिभाषा है उसमें जो भी पोषक तत्व, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, जिंक है, और जो मुख्य पोषक तत्व जो प्रकृति से मिलते हैं उनको छोड़ के, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो इस तरह से जो पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं उनको खाद बोलते हैं। अब खाद ये दो प्रकार की उपयोग में आती है। एक बल्कि खाद होती है जिसको जैविक खाद बोलते हैं। बल्कि खाद का मतलब ये होता है जिसमें खाद की मात्रा ज़्यादा होती है, पोषक तत्वों का मात्रा कम होती है। और दूसरी जो है तो रासायनिक खाद होती है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है और उसका वॉल्यूम या उसकी मात्रा कम होती है। तो इस तरह से जो रासायनिक खाद है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा में उपयोग करते हैं किसान भाई, इसमें पौधों का तुरंत वो प्रयोग जो तुरंत विकास होता है क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, किंतु इसमें कुछ फिलर होते हैं जो कि मतलब मिट्टी को कड़ा बनाते हैं, सीमेंटेड हो जाती मिट्टी, जिसमें पानी का जो वो अवशोषण है वो बहुत कम हो पाता है ना। और इसमें मिट्टी की जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा बिगड़ जाता है, जबकि जैविक खाद डालने से खेत की भौतिक दशा सुधरती है। बहुत अंतर आता है रासायनिक खाद से, जो उत्पाद मिलता है, जो फसल मिलती है, जो उत्पादन मिलता है वो मतलब थोड़ा सा उसमें बहुत सारे अवशेष जो हैं रसायन के खाद्यान्न में भी पहुंच जाते हैं, जिसका मानव के स्वास्थ्य में लंबे समय में बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि इसका जैविक खाद का फसल का जो उत्पाद होता है, जो प्रोड्यूस होता है वो शुद्ध होता है और जैविक होने के कारण से वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है, क्योंकि इसके में किसी प्रकार का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, दुष्प्रभाव नहीं होता है, तो इसको जो है बहुत ही आसानी से इसको मतलब किसान भाई अपना सकते हैं। इसमें जो जैविक खाद होती है उसमें जैसे गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, और कुछ खली वगैरह होती हैं, और इस प्रकार की जो जैविक खादें होती हैं उनका प्रयोग किसान भाई करके और शुद्ध उत्पाद जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है उसको उगा सकते हैं। जैविक खाद इसको यदि जैसे जैविक प्रमाणीकरण की बात आती है, जहाँ की मतलब लोग किसानों को प्रमाण पत्र मिले उसका, जिससे वो बाज़ार में अपने उत्पाद को जैविक के नाम से बेच पाए, तो उसके लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। जिन खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उनको उन खेतों में 3 साल तक प्रमाणीकरण नहीं होता, क्योंकि रसायन के अवशेष 3 साल के बाद ही ख़त्म हो पाते हैं, तो इसलिए उनको जो है 3 साल के बाद उसमें
उसका प्रमाणीकरण या जैव उत्पाद को प्रमाणित किया जा सकता और वो अपना जैव उत्पाद मार्केट में बेच सकते हैं, उनको लोगो मिल सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में जो अध्ययन से पता चला है कि जो रासायनिक खाद है इससे जितना उत्पादन ज़्यादा मिलता है और आर्थिक लाभ भी ज़्यादा मिलता है, किंतु जो जैविक खाद होती है इसमें आर्थिक लाभ उतना नहीं होता है। उसमें उत्पाद शुद्ध होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है और जो लंबे समय तक उत्पादन उसमें ले सकते हैं किसान भाई, मिट्टी की भौतिक दशा भी सुधरती है, उसमें सुधार होता है। इसलिए आर्थिक रूप से तो उतना लाभप्रद जैविक खेती नहीं होती है, किंतु पर्यावरण और स्वास्थ्य के दृष्टि से, स्वास्थ्य मनुष्य का स्वास्थ्य और पशुओं का स्वास्थ्य और साथ साथ अपनी धरती माँ का स्वास्थ्य, जिसमें मतलब आज मिट्टी जो है तो काफ़ी उसमें जीवाणुओं की संख्या कम होती जा रही है, केंचुओं की संख्या ख़त्म हो रही, केंचुए नीचे चले गए हैं सुप्त अवस्था में पड़े हुए, वो सब जागृत होके और अपना काम करेंगे तो लंबे समय में जो है इसका जैविक खाद का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि किसान भाइयों को ये जानकारी काम आएगी। शब्द साँची किसान भाइयों से ये भी अपील करता है कि आप धान की पराली जलाने की जगह उसका सदुपयोग कर उससे भी मुनाफा कमाने की कोशिश करें। पराली से आप कैसे फ़ायदा कमा सकते हैं ये जानने के लिए कृषि साँची का पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।